हर हर महादेव दोस्तों, तारीख है 23 मई और बज रहे हैं शाम के 6:30। हेलीकॉप्टर लेके हम ऊपर तो आ गए थे और यहाँ पे देखने में नज़ारे ही अलग थे। जो पहली बार मंदिर देख के जो फीलिंग आती है उसको एक्सप्रेस कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है, बट यहाँ की फीलिंग कुछ अलग ही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि धरती पे स्वर्ग से आ गया हो। बहुत ही अलग नज़ारे थे यहाँ पे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी बट लोग रेनकोट पहन के छाता लेके लाइनों में लगे हैं, दर्शनों की लाइन में लगे हैं। अलग ही लोगों की भक्ति थी यहाँ पे। सामने आप देख पा रहे हैं धरती के स्वर्ग पे विराजमान हमारे भोले बाबा का मंदिर, जहाँ पे लोग दुनिया भर से दर्शन के लिए आते हैं लाखों की तादाद में। हाँ, हमारे समय भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 6:30 और सुनने में आरती होती है यहाँ पे 7 या 7:30 बजे के आसपास। तो हमारे पास थोड़ा समय है, अभी थोड़ा वादिया इन्जॉय करते हैं और फिर हम लोग लेंगे आरती के नज़ारे। आरती का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, बहुत सारे साधु लोग अपनी पूजा की तैयारी में लग गए थे। ऐसे एक मंत्रमुग्ध बाबा हमें मिले जो यहाँ बैठ के डमरू बजा रहे थे। और फिर फाइनली वो मोमेंट आ गया था, वो दिव्य घड़ी जिसका हम सबको और यहाँ पे घड़ी सारी भीड़ को इंतजार था, भोले बाबा की आरती। अगर आप इस बार केदारनाथ नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो आंख बंद करके इस आरती का अनुभव लीजिए। महादेव की आरती करके हम लोग चल दिए थे अपने होटल की तरफ। हमारा रात में यहीं रुकने का प्लान था तो हमने ऊपर बीकानेर हाउस में रूम्स बुक किए थे, वो भी मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं और सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ऊपर मंदिर पहुँचने के बाद हमें पता चला यहाँ पे लोगों से कि अंदर गर्भगृह में जाके भी जल अभिषेक वगैरह की एक्स्ट्रा पूजा के चार्जेस का टिकट लेके हम अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने भी ट्राई किया बट काउंटर पे जाके हमें पता चला दिन की सिर्फ 150 ही टिकट मिलती हैं, जो कि शाम को 5:30 बजे से मिलना शुरू होती हैं और हमारे पहुंचते तक मतलब 1 घंटे में सब खत्म हो गया था। अब चाहें तो इसकी टिकट की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से प्रेफर्ड मोड होने वाला है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। आप अगर आ रहे हैं तो पहले से वो टिकट बुक करके आएँ, बिकॉज उसका अनुभव एक अलग ही चीज़ है। हमें तो अनलकली वो नहीं मिल पाया बट आप लोग ज़रूर करके आइएगा। वैसे तो वेबसाइट पर बहुत सारी पूजा लिस्टेड हैं बट यहाँ पर आके हमने पता किया एक फेमस टिकट है जो कि 5,000 का था हमारे टाइम पे और उसमें 5 फैमिली मेंबर्स तक अलाउड है। तो आप 5,000 का टिकट लेके 5 लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो भी टिकट का वैल्यू 5,000 ही रहने वाला है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप लोग कम लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर जाके 1-2 लोग और साथ में मिलके एक पूरा टिकट लेके 5 लोग साथ में जा सकते हैं। The next morning. हेलो महादेव गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। कल हमने हेलीकॉप्टर राइड ले ली थी और यहाँ पर आ गए थे। क्या ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, क्या ही व्यूज आ रहे थे वहां से। बीच में मौसम तो खराब हुआ था तो लगा था शायद हमारी यात्रा हो ही नहीं पाएगी, हेलीकॉप्टर राइड के ऑपरेशन भी बंद हो गए थे। बट लकीली मौसम खुला, फॉग थोड़ा हटा और फिर ऑपरेशन चालू हुए और हमें अपना हेलीकॉप्टर मिला। हमारा हेलीकॉप्टर था सेकेंड लास्ट, एंड तक डर बना हुआ था कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फाइनली कल यहाँ पे जब लैंड हुए तो पता चला कि यहाँ की शक्ति अलग है। क्या ही जमीन आसमान का अंतर था, नीचे और ऊपर के टेम्परेचर में, मौसम में, माहौल में, यहाँ की एनर्जी ही अलग है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठे बाबा के पास और फिर आरती का बदल गया। अभी हम लोग यहाँ पे बीकानेर हाउस में सुबह के बजाय 4 प्लान है कि अभी नहा धो के लाइन में लग जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से हम करेंगे भैरव बाबा की चढ़ाई।
उठते हैं, तैयार होते हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करने। सुबह के बज रहे हैं 5, 24 तारीख है आज और हम लोग हैं ऊपर केदारनाथ में। राइट साइड में आप जो टेंट देख पा रहे हैं ये बीकानेर हाउस में आगे एक्स्ट्रा स्पेस में टेंट्स भी लगाते हैं, और पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो सारे कमरे हैं बीकानेर हाउस के। बीकानेर हाउस मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुक सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है रुकने का। इसकी बुकिंग GMVN से तो नहीं होती है, बट आपको एजेंट्स हैं काफ़ी जिनको आप फ़ोन करके ये बुक कर सकते हैं। महादेव के दर्शन के बाद हम लोग करने चले गए थे भैरव बाबा की चढ़ाई। माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग नीचे उतरने लगे हैं क्योंकि टाइम हो गया है हमारे हेलीकॉप्टर का। जल्दी से जाते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं और नीचे पहुंचते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको दिखाएंगे कि रिटर्न का हेलीकॉप्टर कैसे लेना है और कैसे नीचे पहुँचना है। तब तक के लिए हर हर महादेव।